हेलो फ्रेंड्स, आपण मानक समस्त को आम यूट्यूब चैनल कृषि ट्यूटोरियल मुझे स्वागत जनाऊँगी। आज वीडियो रे रही आपण कौन ना पे आम सोशल स्टडीज के 2016 मसीहार फास्ट एग्जाम जोटा आसला ओटीईटी मन ने तो एस एस टी रि आम डिस्कसन करवा प्रपर 60टा क्वेश्चन निश्चित भाव में वीडियो शेष पर्यंत रुहतु आ चैनल को एपर्यंत जब सब्सक्राइब करना निश्चित भाव में सब्सक्राइब करके बेल आइकन टी को प्रेस कर दिंतु कारण आपको आम ओटीईटी के 23 तारीख अच्छी मैंने तेणु बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास गुड़िक आसबार अच्छी ता सहित माराथन क्लास गुड़िकसबार अच्छी निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टी प्रेस करके रखुदूँ। वीडियो पसंद आसे गोटे गोटे लाइक करदेव ता सहित सेयार करदेव सांग सहित यहाँ पे मैंने बेसिकली आम आर्ट्स पिला बहुत ही इंपोर्टेंट रहा साइंस पिला देखिपारे आपको आसवा अनेक सारा एग्जाम से ही आम कौन हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी यही सब क्वेश्चन गुड़ाक आसी कौन ना आदि आपने थ्योरी क्लास गुड़िका चाहते ता सहित प्रीवियस ईयर वीडियो गुड़ाक रिविजन करने चाहते थोड़े जाकि प्ले लिस्ट थे चेक करूँ चैनल जाकि प्ले लिस्ट थे चेक करूँ सब से पाई एटे सीडीपी एमसीक्यू चलिए कंप्यूटर एमसीक्यू ता सहित ओटीईटी आउ जेटी ज्योग्राफी क्लास सरी सारी एवं साइंस क्लास सरी सारी पॉलिटी चलिए आउ रहा आमर कौन हिस्ट्री क्लास बाकी अच्छी यहाँ मतलब शीघ्र अपलोड हो चैनल निश्चित भाव में सब्सक्राइब करके रखुदूँ मुझ बार बार कौन तेणु चल पे स्टार्ट करवा क्लास टी कौन ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओटीईटी 2016 मसीहार आमर सोशल स्टडीज कौन ना देखो देख पे एवं आम कौन क्वेश्चन पेपर को पलि आसे सोशल स्टडीज आम 2016 फास्ट पेपर टू मन ना षाठीटा क्वेश्चन रैर्यर सहित देखिए विदाउट स्किप करी सब प्रत्येक क्वेश्चन इंपोर्टेंट रखु आसुवा ओटीईटी एग्जाम पे तो फास्ट आम 91 कौन देखिए ना क्योंटी एक द्वितीय पर्याय भूमि रूप व्हिच वन इज ए सेकेंड ऑर्डर लैंडफॉर्म ऑप्शन गुड़ाक कौन देला ना चिलिका ह्रद धौली पहाड़ हिमालय ना लाक्षादीप कौटा ना आमर लैंड कौन लैंडफॉर्म गुड़ाक केतोटी अच्छी पिला माने हाँ थ्री टाइप ऑफ आमर लैंडफॉर्म अच्छी ठीक अच्छे थ्री टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म आमर अच्छी कौन कौन ना आमर फास्ट रोजी कौनटा फास्ट गोटा रोजी आमर कॉन्टिनेंट ता सहित कौन ओशियन बेसिन सेकेंड लैंडफॉर्म रे कौन कौन जीव ना सेकेंड लैंडफॉर्म रे हमरो जाउची माउंटेन जीव पिला माने ता सहित प्लेटू आउ थर्ड फॉर्म रे हमरो कौन कौन जीव ना इंडिविजुअल पीक ता सहित कौन जीव ना हिल जीव आ सहित कौन जीव भेली जीव ठीक है पे तो ये रहा आमर लैंडफॉर्म तीन टा टाइप ये रहा फर्स्ट टाइप ये रहा सेकेंड टाइप ये रहा थर्ड टाइप ठीक अच्छे तो आमर ऑप्शन गुड़ाक देखा देख माउंटेन कौटी रही आमर ऑप्शन गुड़ाक देखा देख माउंटेन हिमालय मन ना हिमालय रोज आमर द्वितीय पर्याय भूमि रूप तो ऑप्शन सी एटे सठिक आंसर होपर हिमालय ठीक अच्छे जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कहे देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कहला ना आग्नेय उद्गीरण द्वारा क्यों प्रकार पर्वत सृष्टि होता है ठीक अच्छे आग्नेय उद्गीरण द्वारा क्यों प्रकार पर्वत सृष्टि होता है धूप पर्वत ना भंगीला पर्वत ना संचयजात पर्वत ना क्षयजात पर्वत आम कौन जानते पे ना संचयजात पर्वत केते बेले तैयारी होता है ना जिते बड़े आमर आग्नेय उद्गीरण होता है ठीक अच्छे यू आमर जब आग्नेय उद्गीरण हम तापर से कौन होता है ना तर तर हो संचयजात पर्वत सृष्टि होता है तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर नंबर 92 मन ना नेक्स्ट 93 कौन कहला ना निम्नोक्त क्यों मालभूमि गठन दृष्टिकोण अन्य तीन ठार भिन्न क्यों मालभूमि पे अन्य तीन ठार भिन्न से कही ऑप्शन ए रे अच्छी बोलिविया बी रे अच्छी कोलंबिया
सी रे अच्छी डेकान सहित डी रे अच्छी तीर्थ तिब्बत ठीक अच्छे कौटा हम ना आपणकर 93 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर तिब्बत बुझेगा तिब्बत इज द राइट आंसर तिब्बत आमर अलग बाकी तीन टाइम जी नेक्स्ट 94 कौन कही देखा 94 कहला क्यों प्रकार समतल हिमबाह कार्य हेतु सृष्टि होता है क्यों प्रकार समतल हिमबाह कार्य हेतु सृष्टि होता है त्रिकोणभूमि समतल ना अनुबाह समतल ना प्लावन भूमि ना लोएस समतल कौटा हो पाने ना आपणकर अनुबाह समतल यहीटा हो सटिक आंसर बुझला आमर हिमबाह प्रभाव में कौन ना अनुबाह समतल सृष्टि होता है तो 94 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जी आम 95 नंबर कौन कही निम्नोक्त क्योंटी दक्षिण नातिशीतोष्ण मंडल विस्तृति अटे कौटा पाने मकरक्रांतिरु कुमेरु वृत्त ना वृषभ कौन विषुव वृत्तरु सुमेरु वृत्त हाँ विषुव वृत्तरु कर्कट क्रांति ना कर्कट क्रांतिरु सुमेरु वृत्त कौन हम ना 95 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर मकर क्रांति को क्रांति आमर कुमेरु वृत्त पर्यंत ठीक अच्छे कौनटा ना दक्षिण नातिशीतोष्ण मंडल बुझेगा तो ऑप्शन ए एठे सटिक आंसर हो तो फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू द अंटार्कटिक सर्किल मन नहीं जी आम नेक्स्ट 96 कौन कही देखा 96 कहला निम्नोक्त क्यों चाप बलय वर्ष सारा ऊर्ध्वगामी आर्द्रवायु शीतल हवा फल प्रचुर वृष्टिपात होता है उपक्रांतीय शांति बलय ना उपमेरु देशीय लघुचाप बलय ना निरक्ष शांत बलय ना मेरुदेशीय गुरुचाप बलय कौटा ना पे आमर निरक्ष शांत बलय ठीक अच्छे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 96 जी 97 कौन कही देखा ना क्योंटी एक अंतर्देशीय सगर कौटा गोटे अंतर्देशीय सगर मान इनलैंड सी कौटा कारा सगर कास्पियन सागर ना आरब सागर ना पीत सागर कौटे पे मैंने ना आपणकर 97 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कास्पियन सागर कास्पियन सी ठीक अच्छे बी इज द राइट आंसर 97 जी 98 कौन कही देखा 98 कहला निम्नोक्त अंचल गुड़िक मध्य क्योंटी एक कौन पारिस्थितिक तप्तशैली रूप से विवेचित पश्चिम हिमालय ना थर मरुभूमि ना पश्चिम घाट ना पूर्व घाट कौटा ना 98 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर पश्चिम घाट द वेस्टर्न घाट ठीक अच्छे सी इज द राइट आंसर 98 जी 99 कौन कही देखा निम्नोक्त क्यों शिलार जैवांश मिलबार संभावना ना कही पाने बुझेगा संभावना ना कौन ना जीवाश्म मिलबार राशिकृत शिला ग्रानाइट ऑप्शन सी रे दीजिए कर्दम पत्थर एवं डी रे दीजिए बालुका प्रस्तर जैवांश मिलबो ना कही मन नहीं ग्रानाइट रू पाने मिलबो ना ऑप्शन बी ग्रानाइट इज द राइट आंसर बुझेगा जी नेक्स्ट 100 कौन कहला निम्नोक्त क्यों मौलिक उपादानटी पृथ्वीर समुदाय वस्तुत्वर सर्वाधिक भाग अटे कौटा पे सर्वाधिक भाग आमर नौ पृथ्वीर तार वस्तुत्व तुलन में लौह मैग्नीशियम अम्लजान सिलिका कौटा ना आयरन लौह ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बुझेगा जी आम नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर कौन कही देखा देख पाने तो एक नंबर कहला निम्नोक्त क्यों मानटी एक बृहत मान विशिष्ट मानचित्र प्रतीक ठीक अच्छे कौन कहला बृहत मानर तो लार्ज स्केल मैप तो एटे आमको बुझेगा रेसीओ ऑप्शन सी ऑप्शन डी कहीदेज गोटे सेमी को आम 40 किलोमीटर नवा गोटे सेमी को 50 किलोमीटर नवा और या आम कनवर्ट करवा देखा कौन अच्छे फास्ट 1:25,000 हाँ ना नहीं आउ नेक्स्ट आमर ऑप्शन बी रे 1:25,00,000 हाँ ना नहीं चलो ये कन्वर्ट करवा फास्ट 1:25,00,000
25,000 हाँ ना नहीं आपको फास्ट दला वन इज टू 25,000 जैसे कि दीजिए तो आपको हमें कौन कर पेरे आपने हमने ना 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 25,000 सेंटीमीटर हाँ ना नहीं एवे सेंटीमीटर को जब हमें मीटर रे कन्वर्ट कर दबा कौन होगा सेंटीमीटर को जब मीटर रे हमें कन्वर्ट कर दबा कौन होगा ना एटरू दुईटा सुन कटी जीवो तो 250 मीटर होगा हाँ ना नहीं 250 मीटर को जब हमें किलोमीटर रे कन्वर्ट करवा कौन होगा 250 मीटर को जब हमें किलोमीटर रे कन्वर्ट करवा ना हे जीवो हमरा कौन 0.25 किलोमीटर एटा रहिला हमरो ऑप्शन ए रो रहिला कौन 0.25 किलोमीटर जीवा नेक्स्ट 1 इज टू केते दीजी ना 2 केतिके दीजिए याकू जदि हमें कन्वर्ट करबा कोन होबो ना पले माने याकू जदि हमें कन्वर्ट करबा 1 एटा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2500000 सेंटीमीटर याकू जदि हमें मीटर रे कन्वर्ट करबा मीटर रे कन्वर्ट करले एटर दुटा सुन कटि जइबो तो केते हि जइबो 2500000 मीटर हि जइबो हन ने याकू जदि हमें किलोमीटर रे कन्वर्ट करबा तो 3 टा सुन कटि गले 25 किलोमीटर हो तो ये रहला हमरो ऑप्शन बी ऑप्शन सी रे कोन दीजे ना 1 सेंटीमीटर को हमें केते नै जे 40 किलोमीटर नै जे ऑप्शन डी रे दीजे 1 सेंटीमीटर को हमें नै जे 50 किलोमीटर तमको कोन पचारीतला लार्ज स्केल पचारीतला तो लार्ज स्केल रो अर्थ होजी पिला माने सबटु छोटो कोडा छोटो यूनिट कोडा जोटा की 1 सेमी को हमें सबटु छोटो कोथरे पाइले ना 0.25 किलोमीटर हन नै 0.25 किलोमीटर एटा तो 25 किलोमीटर एटा 40 किलोमीटर एटा 50 किलोमीटर सबटु कम कोटा डिस्टेंस हम पहिले हां 0.25 किलोमीटर तो ये हे गला हमर सटीक आंसर पिला माने ऑप्शन ए बुझला ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एठरे देखि परथबो तो एक रो ऑप्शन ए बुझला क्लियर यदि बुझि न पालो आउथरे वीडियो को पॉज करके पछो को जाई के आउथरे तमे चेक करी परिबो ठीक अछि जीवा नेक्स्ट 102 कोन कहिला ना विभिन्न राज्य रो जनसंख्या मध्ये रे परिमाणात्मक तुलना दर्शेबा पई केउ रेखाचित्रटी सबठरो उपयोगी से कहउछि स्तंभ रेखाचित्र ना वृत्तीय ना रैखिक ना चित्रित कोडा ना पिला माने सबले जनसंख्या दर्शेबा पई हमरो बार ग्राफ जोडा के स्तंभ रेखाचित्र सबले उपयोगी हेथैबा बेनिफिशियल रही थे तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 102 नंबर जीवा नेक्स्ट हमें 103 नंबर कौन कहि देखिबा 103 कहिला मानचित्र अध्ययन मध्य रे केउटी अंतर्भुक्त नुहे रिपीटेड क्वेश्चन पिला मानचित्र अध्ययन मध्य रे कौन केउटी अंतर्भुक्त नुहे मानचित्र अनुशीलन मानचित्र संरक्षण मानचित्र संकेत एवं मानचित्र पठन कोडा अंतर्भुक्त नुहे कहि तो मानचित्र संरक्षण पूर्व वीडियो कड़े कौन पूर्व वीडियो रे हमें डिस्कशन करथिले रिपीटेड क्वेश्चन तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जीवा 104 नंबर कौन कहि देखिबा ना पानी पाग पर्यवेक्षण यंत्र व्यवहार करी पाग संबंधित संग्रहित सूचना पई केउ प्रकार तथ्य हमकु एटा गुटे को प्रकार तथ्य प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक ना साधारण पिला माने एटा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर प्राथमिक बुझला जीवा नेक्स्ट 5 नंबर कौन कहि देखिबा भूगोल शिक्षादान पद्धति दृष्टिकोण रु कौन कहला निम्नोक्त केउटी अन्य तीन ठारु भिन्न शिक्षा पर्यटन शिक्षा प्रदर्शनी क्षेत्र भ्रमण परिभ्रमण कोडा हो पिला माने कोडा हो ना हमरो स्टडी टूर र जो टाइप रहूची फील्ड ट्रिप ता सहित एक्सकर्सन एटा पिला माने सेम टाइप रहूची बुझला किंतु अलग आमर कोटा पाइबा आम ना एजुकेशनल एग्जीबिशन ठीक अच्छे शिक्षा प्रदर्शनी हो अलग तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 105 नंबर हाँ ना जीवा 106 नंबर कौन कहे देखा 106 नंबर कहला क्यों नदी उपरे डुडुमा जलप्रपात कह पे मैंने
टुटुमा जलप्रपात क्यों नदी उपरे अवस्थित? फास्ट देची पोलाब ना माछकुंड ना नागावली ना वंशधारा कौटा डुडुमा आमर पिलाने माछकुंड ठीक अच्छे माछकुंड तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जीवा 107 नंबर कौन कही देखा 107 नंबर कहला शब्द जुग्म मध्यरे थिबा संपर्क दृष्टिकोण रु फुल जोड़ी टी बाछिक लेख से कही फुल जोड़ी कौटा बाछिक लेखा बणई कौन माकड़ नचा केउझर निमगिरी सहित तो पालवाड़ा मलयगिरी सिमलिपा मेघासन कौटा ना 107 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर केउझर निमगिरी ठीक अच्छे यहाँ हूँ तार भूल आंसर जीवा नेक्स्ट बाकी सब ठीक अच्छे देन 108 कौन कहला ना ओडिशा रो केउ अंचल अन्य तीनोटी अंचल अपेक्षा अधिक भाव काल बैशाखी द्वारा प्रभावित होता है क्यों अंचलटा आमर अधिक काल बैशाखी द्वारा प्रभावित होता है ओडिशा रो बालेश्वर समतल अंचल ना मालकानगिरी उच्चभूमि ऋषिकूल्य अवबाहिका ना उपर महानदी अंचल कौटा ना बालेश्वर समतल भूमि ठीक अच्छे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 108 नंबर जी नेक्स्ट आम 109 नंबर कौन कही देखा ना ओडिशार क्यों जिले में बहुल भाव लंका चाष कर पे लंका चाष क्यों जिले में सबुठ अधिक ओडिशार बालेश्वर कटक गंजाम केउझर पे आपने देखिथे तो आमर जोटा डाउन पार्ट रोज ओडिशार जो डाउन पार्ट रोज से ही अंचल गुड़ाक बेस आम लंका चाष हो जोटा कि आम आंध्र प्रदेश पखापाखी एरिया है ना आंध्र प्रदेश बोर्डर को लाइक रोच तो कौटा रहा ओबिययसली गंजाम है ना गंजाम इज द राइट आंसर ऑप्शन सी जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही देखा 110 नंबर ना शक्ति संबल प्राचुर्य हेतु ओडिशार क्यों अंचल विशेष भाव शिल्प समृद्ध हो पारे अनुगुड़ तालचेर दामनजोड़ी सुनाबेड़ा ना जोड़ा बड़बिल ना रायगढ़ थेरुवाली कौटा पे ये सठिक आंसर होमर कौन ना अनुगुड़ तालचेर ठीक अच्छे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जीवा नेक्स्ट 111 नंबर कौन कहला देख 111 नंबर कहला जड़े शिक्षक मानचित्र साहाज्यरे भारत अवस्थित बुझेले यह भूगोल क्यों शिक्षादान यहाँ भी पे रिपीटेड क्वेश्चन करजे ना नहीं आम आगुरी करजे जो मैंने पूर्व भिडियो गुड़ाक देखी निश्चित भाव से जापरेंगे आगु ये सब भिडियो आम डिस्कसन कर सारीचे मन नहीं तो कौन हम ना जड़े शिक्षक मानचित्र साहाज्यरे भारत अवस्थित को बुझाऊँ यहाँ क्यों प्रकार पद्धति परोक्ष पर्यवेक्षण ना प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण ना मुक्त पर्यवेक्षण ना सर्वेक्षण कौटा 111 नंबर ऑप्शन ए राइट आंसर ना परोक्ष पर्यवेक्षण ठीक अच्छे इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आम कहीपर तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जीवा नेक्स्ट आम 112 नंबर कौन कही 112 नंबर कहला निम्नोक्त क्यों भूगोल शिक्षादान प्रतिरूप प्रस्तुतिर विपरीत धर्मी कौन कहला निम्नोक्त क्यों भूगोल शिक्षादान प्रतिरूप प्रस्तुतिर विपरीत धर्मी सादृश्य जटिलता ऑप्शन सी रे कौन देला ना आग्रह दीपक ना ऑप्शन डी रे देला प्रासंगिकता कौटा हम ना 112 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर जटिलता जोटा कि आम कौन कहीपर ना कॉम्प्लेक्सिटी ठीक अच्छे जीवा नेक्स्ट आमर 113 नंबर कौन कही देखा 113 नंबर कहला प्रकल्पर आहरित तो बास्तव ज्ञान और अनुभूति व्यवहार योग्य होगा आवश्यक प्रकल्प पद्धतिर क्यों मौलिक नीति कौन सबुठू जुक्तियुक्त से कहला अभिज्ञता ना बास्तवता ना उद्देश्य ना उपादेयता कौटा मैंने 113 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यूजफुलनेस उपादेयता ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 113 नंबर जी आम 114 नंबर कौन कही देखा 114 नंबर कहला बंधनी मध्य दि जा प्रश्नटी क्यों उद्देश्य भित्तिक आम देखा ठीक अच्छे चंद्र जदि पृथ्वी चतुर्पार्श्वे परिक्रमण करने को 30 दिन समय निए तेब दुईट क्रमगत गुरुजुआर मध्य समय व्यवधान के क्वेश्चन पे स्मरण भित्तिक ना
निर्वाचन भित्तिक ना बोध भित्तिक ना कौशल भित्तिक। देखो एटा तो बिल्कुल स्मरण भित्तिक हबने काहेकि एठरे कौन किसी प्रोब्लेमेटिक टाइप रे दला तो 30 दिन समय निए तेबे दुईट क्रमगत गुरु ज्वार पई जदि से फंडामेंटल क्लियर होइथिबो पाठटा को बुझिथिबो तार अंडरस्टैंडिंग स्किल से बढ़िथिबो तेबे जाइकि से यार आंसर दे पारिबो। तो अंडरस्टैंडिंग कोठी रहिला ना हमर ऑप्शन सी रे रहिला अंडरस्टैंडिंग कौन ना नहीं सी इज द राइट आंसर। जब आम नेक्स्ट क्वेश्चन 115 नंबर कौन कही देखा 115 नंबर कहला सामाजिक विज्ञान शिक्षक मैंने श्रेणी में वस्तुनिष्ठ प्रश्नावली परीक्षण निम्ते व्यवहार करते मात्र यही परीक्षा विश्वसनीयता उपरे सेमानको संदेह थाए तेणु एपरी परीक्षण विश्वसनीयता आणवाई से निम्त के उपाय अवलम्बन करेंगे ना अन्य शिक्षक मैंने अवलम्बन करुवा उपाय जानवापी चेष्टा करेंगे ना प्रश्न संख्या वृद्धि करेंगे ना मानक परीक्षण प्रश्न व्यवहार करेंगे ना विभिन्न संस्था द्वारा प्रकाशित प्रश्नावली व्यवहार करेंगे कौटा पे 115 नंबर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ना मानक कौन मानक परीक्षण प्रश्न से व्यवहार करेंगे। ठीक अच्छे तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर 115 जब आम 116 नंबर कौन कह देखा भारत के राज्य पतित एवं कृषि अनुपयोगी भूमि विशेष भाव में अन्य धरण भूव्यवहार कौन परिवर्तित हो पारे आंध्र प्रदेश बिहार तमिलनाडु पश्चिमबंग पे ऑप्शन डी पश्चिमबंग हो सटीक आंसर तुम। ठीक अच्छे ऑप्शन डी पश्चिमबंग वेस्ट बेंगल। ठीक अच्छे क्यों नदी में रेंगाली डैम कौन पे हाँ सालंदी कोला बैतरणी ब्राह्मणी देवगढ़ पिला बहुत भल भाव जानते हैं यहाँ 117 नंबर ऑप्शन डी ब्राह्मणी हाँ ना नहीं ब्राह्मणी नदी उपर रेंगाली डैम आमर अवस्थित बुझेगा जी आम नेक्स्ट 118 नंबर कौन कर देखा निम्नोक्त क्यों अंचल बोरियल उद्भिद मैंने भारत को आसीचे क्यों अंचल केन्द्र एशिया इंडोनेशिया ना मलेशिया ना उत्तर आफ्रिका पे आम सेंट्रल एशिया जोटा कि केन्द्र एशिया ये सटिक आंसर ऑप्शन ए 118 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जीवा नेक्स्ट कहला भूल जोड़ी को बाछिकी लेख से कह ची ठीक अच्छे भूल जोड़ी बाछिकी लेख उत्तराखंड पेरियार महाराष्ट्र मेलघाट कर्णाटक बंदीपुर आसाम्र मानस आसाम्र मानस आम जाने ठीक अच्छे हाँ ना नहीं कर्णाटक बांदीपुर ठीक अच्छे महाराष्ट्र मेलघाट ठीक अच्छे तो बाकी कौटा रही गला ना उत्तराखंड पेरियार देखने पेरियार कौटा पेरियार रोचे आमर केरल। ठीक अच्छे पेरियार रोचे आमर केरल उत्तराखंड नुह तो कौटा इनकरेक्ट पेयर अच्छे ना ऑप्शन ए रे जो पेयर गोटेटा अच्छे से इनकरेक्ट तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 120 नंबर कौन कहला पे मैंने ना निष्कासन करा खनिज दृष्टिकोण रु अन्य तीन ठार भिन्न खनिज कौटा जोटा आम उत्पादन करूचे क्यों खनिजटा अन्य तीन ठार भिन्न बलाणी ना किरीबुरु ना नुआमंडी ना पंचम पंचपटमाली तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पे ये आमर कोरापुट बॉक्साइट माइनिंग को आम कह बाकी सब कौन आमर आयरन माइनिंग आउ एटा रहिला आमर बॉक्साइट। ठीक अच्छे तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जब आम नेक्स्ट 121 कौन कही देखा 121 आमर कहला राष्ट्रपति काठू न्यायिक एवं आईनगत मद लोड़ी था कौन कहला पे मैंने राष्ट्रपति काठू न्यायिक एवं आईनगत मत लोड़ी था आमर ऑप्शन एरिया देला उच्चतम न्यायालय मुख्य विचारपति ना आंटोनी जनरल ना सलिसिटर जनरल ना आईन मंत्री काठू ना चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जोटा कि आमर उच्चतम न्यायालय मुख्य विचारपति तो 121 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर बुझेगा। जब आम 122 नंबर कौन कह देखा 122 नंबर आमर कहला ओडिशार लोकसेवा आयोग जड़े सभ्य को किए बहिष्कार करें पे ना ओडिशार
लोकसेवा आयोग जड़े सभ्य को किए बहिष्कार करपर राष्ट्रपति राज्यपाल ना मुख्यमंत्री ना गृहमंत्री किए 122 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कौन अच्छे हाँ राष्ट्रपति बुझेगा 122 ए इज द राइट आंसर जब आम नेक्स्ट 123 कौन कह देख 123 कहला भारतर उपराष्ट्रपति को किए निर्वाचित करते पे पॉलिटी क्लास रे हमें पढ़ीजे एपर् पॉलिटी क्लास देखी ना निश्चित भाव में जाकि थोड़े देखी दिखाँ प्लेलीस्ट पाइपर तुम्हें तो उपराष्ट्रपति को किए निर्वाचित करते राज्यसभा समस्त सभ्य ना राज्यसभा निर्वाचित सभ्यगण ऑप्शन सी रे संसद निर्वाचित सभ्यगण ना डी संसद और विधानसभा मान सभ्यगण कौन हम ना पे ना संसद निर्वाचित सभ्यगण हो सठिक आंसर ऑप्शन सी बुझेगा इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नेक्स्ट 124 स्थानीय स्वायत्त शासन मैंने आम ऑलरेडी पढ़ी सारे पॉलिटी रे मन ना स्थानीय स्वायत्त शासन क्यों मुख्य तत्व उपर आधारित क्षमतार विकेन्द्रीकरण क्षमतार केन्द्रीकरण आर्थिक अभिवृद्धि ना शांति श्रृंखला रक्षा करवा कौटा देख पे मैंने सब ऑप्शन जदि तुम पढ़ी थो सब ऑप्शन किसी किसी ठीक थी भाई लगे कि प्रपर कौटा ठीक रहा क्षमतार विकेन्द्रीकरण करने आम कौन कर स्थानीय स्वायत्त शासन आम कर तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एवं नेक्स्ट आम 125 नंबर कौन कही क्योंटी चाप गोष्ठी कार्य नुहे रिपीटेड क्वेश्चन आउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मन रख क्योंटी चाप गोष्ठी कार्य नुहे निज गोष्ठी स्वार्थ विकास ना गोष्ठीभुक्त सदस्य को स्वार्थ रक्षा सरकार ओ व्यवस्थापक सभार सभ्य को प्रभावित करवा ना ऑप्शन डी रेजे गोष्ठी स्वार्थपी निर्वाचन लड़ा कौटा हाँ पे मैंने 125 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर गोष्ठी स्वार्थपी निर्वाचन लड़ा हूँ कार्य नुह बुझेगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर जी आम नेक्स्ट 126 कौन कहला ना अनंत वासुदेव मंदिर निर्माता किए अनंत वासुदेव मंदिर निर्माता किए चोड़गंगादेव प्रथम नरसिंह देव चंद्रिका देवी ना ऑप्शन डी रे देछि परमार्थी देव किए ना पिला माने ना 126 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चंद्रिका देवी किए ना चंद्रिका देवी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जब आम नेक्स्ट 127 कौन कहला ना इंग्रेज सैन्य मैंने क्लेटन को नेतृत्व में क्यों दिन बारवाटी दुर्ग दखल करते आम जाने 1803 मसीहा प्रत्येक थे पाइबे तुम कि कौ मस के तारीख से जाना निहाती भाव में दरकार ठीक अच्छे तो सटिक आंसर पे मैंने 14 अक्टोबर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर 14 अक्टोबर 1803 बुझेगा डी इज द राइट आंसर जी नेक्स्ट आम 28 कहला शिवाजी उत्सव पालन मूल में बालकृष्ण तेलंगर क्यों उद्देश्य निहित थिला पिला माने एटा में नेक्स्ट हिस्ट्री क्लास रे पढ़िबा मरहट्टा गौरव प्रचार ना हिंदू विचार प्रकाश ना जातीयता विकास ना विदेशी प्रति घृणा जातीयतार विकास पे से करते पे ठीक अच्छे डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जब आम नेक्स्ट 129 कौन कही ना प्रथम विश्वयुद्ध पर भारतीय जातीयतावादी मान नीति के दिगरे गति करूला साम्राज्यवाद विरोध में ना इंग्रेज कौन इंग्रेज अनुकूल ना समाजवादी अर्थनीति ना धार्मिक एकतार कौन थे मैंने आमर साम्राज्यवाद विरोधी ठीक अच्छे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जी आम 130 नंबर कौन कही देखा 130 नंबर कहला दुई पृथ्वी मध्य बदर बुझाणा ना आम्भे मैंने नचे से मैने किए घोषणा करते हिटलर ना मुसोलिन ना हिरोहिटो ना चर्चिल किए कर पे मैंने यहाँ आपणकर मुसोलिन करते ठीक अच्छे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर किए मुसोलिन जब आम नेक्स्ट 131 कौन कहूँ 131 ना क्योंटी
सामाजिक विज्ञान शिक्षादान उद्देश्य नुहे कही ठीक अच्छे व्हिच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ द सोशल साइंस। शिक्षार्थी मैंने केवल देखो पे शिक्षार्थी मैंने केवल देदेला मैंने नेगेटिव हमको नेगेटिव ही पचारे नुहे पचारे मैं ना तो केवल वार्ड जो पाइब ओनली वार्ड जो पाइब सी है आम नेगेटिव तो ये ऑप्शन ए हो सटिक आंसर बुझला आपको पढ़वार किसी जरूरत ही ना आमको देखा नेक्स्ट वन थर्टी टू कौन देला ना इतिहास शिक्षादान पेशीय कौशलात्मक शिक्षण उद्देश्य सहित क्योंटी संपृक्त नुहे कही क्वेश्चन ध्यान सहित पढ़ुपर जाकि आंसर देखा ऑप्शन गुड़ाक देखिए क्वेश्चन जदि भल भाव में पढ़वनि गोटे मार्क कटिज से ठीक अच्छे वन थर्टी टू ऑप्शन गुड़ाक देखा शिक्षार्थी मैंने दुर्गर प्रतिरूप प्रस्तुत करवा शिक्षार्थी मैंने मानचित्र गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान गुड़िक चिह्नट करवा ऑप्शन सी रे शिक्षार्थी मैंने ऐतिहासिक चरित्र मानकर जीवनी पाठ करवा शिक्षार्थी मैंने ऐतिहासिक मानचित्र अंकन करवा क्योंटा संपृक्त नुहे जीवनी पढ़ा पे मैंने नुह ठीक अच्छे 132 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जी आम नेक्स्ट 133 उच्च प्राथमिक विद्यालय सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम क्यों विषय टी अंतर्भुक्त करमर जो उच्च प्राथमिक विद्यालय सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम कौटा को अंतर्भुक्त कराए ना इतिहास कर पाला मैंने ना अर्थनीति राजनीति विज्ञान नगर विज्ञान को कराए ना तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर एटे 133 नंबर रहा 134 नंबर कौन कही देखा 134 नंबर कहला डेल अभिज्ञता शंकुर ऊपर तल आड़ क्यों क्रमटी ठीक क्योंटा पे मैंने क्यों क्रमटी ठीक आमको से कही बुझेगा प्रथम कौन हम प्रथम आमर हम मौखिक संकेत जोटा कि वर्बल सिंबल कौ ऑप्शन अच्छे देखा 134 नंबर देखा कौ थे अच्छे वर्बल सिंबल ऑप्शन डी रे ही अच्छे आउ बाकी सब अलग रही तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर एटे पे मैंने बुझेगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जी नेक्स्ट आम 135 कौन कहला क्यों प्रकार समय रेखा द्वारा समय घटना ओ व्यक्तित्व को उपस्थापन करा जाय थाय तुलनात्मक समय रेखा चित्रित समय रेखा क्रमबद्ध समय रेखा ना पश्चातिमुखी समय रेखा कौटा ना 135 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर चित्रित समय रेखा बुझेला चित्रित समय रेखा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 135 136 कौन कहला पे मध्ययुगीय भारत के खोट भाव में परिचित थे खोट खोट मेडिवल इंडिया रे खोट आम क्या कहला धर्मगुरु सामरिक नेता ना ग्राम मुख्य ना गायक क्या कहला पे ग्राम मुख्य को कहला खोट बुझेगा विलेज हेडमैन को जी नेक्स्ट 137 तो एपर्तंत पे जब भिडियो देखुं पसंद आस लाइक गोटे गोटे कर दियो लाइक जब एपर्त करना और निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करके रख आपको आसुवा अनेक सारा वीडियो पे ऑप्शन गुड़ाक देखा 137 कौन देखिए क्यों स्थान को हिजराबाद भाव में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पुनःनामित होता से कही ऑप्शन ए जीन खजुराहो चित्तो मांडो कौन ना 137 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर चित्तो बुझेगा मन रख चित्तोर इज द राइट आंसर। जी नेक्स्ट आग्रा सहर प्रतिष्ठाता किए पे मैंने आग्रा सहर प्रतिष्ठाता किए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार रिपीट हो किए फिरोज शाह तुगलक ना मुबारक शाह ना सिकंदर लोदी ना अकबर किए पे मैंने सिकंदर लोदी इज द राइट आंसर ऑप्शन सी बुझेगा। जी नेक्स्ट आम 139 कौन कहला ना मोगल जुगरे क्यों माने जहाज निर्माण कौन सॉरी क्यों ठारे जहाज निर्माण केन्द्र थिला ना मोगल जेतुले मोगल साम्राज्य चलता से समय रे जहाज निर्माण केन्द्र कौटी थिला काश्मीर ना हरिद्वार ना वाराणसी ना ढाका कौटी थिला 139 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर काश्मीर रे थिला बुझला
काश्मीर थिला पिला माने जीवा में नेक्स्ट 140 कोन कहि छि 1608 रे इंग्रेज रो राजा प्रथम जेम्स केउ राजा दुधम को जहांगीर को दरबार को पठैथिले फ्रांसिस ड्रेक सारा टोमान रो ऑप्शन सी रे देला ऑप्शनस आउ डी रे देला मेलबोर्न कहा को पठैथिले पहले माने ऑप्शन सी ऑक्नस ठीक अच्छे ऑक्किन सी इज द राइट आंसर जीवा में नेक्स्ट 141 आउ 10टा रहिला पहले माने धैर्य सहित देखंतु शीघ्र आमे सारिबा तो केउटी अन्य तीन ठारु भिन्न से कहिला व्यक्तिनिष्ठ लिखित मौखिक वाचनिक कोटा भिन्न ना 141 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जोड़ा कि हमारे कौन सब्जेक्टिविटी ठीक अच्छे यहाँ रोज डिफरेंट बाकी तीन ठीक ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जी नेक्स्ट आम 142 कौन कहला उत्तम शिक्षादान शिक्षण क्योंटी आधार नुहे पे नुहे व्हिच वन इज नॉट द सोर्स ऑफ गुड टीचिंग लर्निंग आनंददायी उद्देश्य भित्तिक अभ्यासीकरण उपर गुरुत्व स्वतप्रभुत अंशग्रहण कौटा हम ना 142 ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ना अभ्यासीकरण उपर गुरुत्व यहाँ हम ना पे तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर जी आम नेक्स्ट 143 केउटी त्रिमात्रिक ब्लू प्रिंट परिसरभुक्त नुहे पे केउटी त्रिमात्रिक ब्लू प्रिंट परिसरभुक्त नुहे प्रश्नर प्रकार शिक्षण उद्देश्य शिक्षण विषय वस्तु शिक्षण स्तर कौटा हाँ लर्निंग लेवल जोटा आम कौन कहीपर ना शिक्षण स्तर ऑप्शन डी एटे हूँ सटिक आंसर नेक्स्ट 144 कौन कहला 144 कहला ना प्रकल्प पद्धति कहार प्रगति बा दर्शन उपर आधारित प्रकल्प पद्धति जोन डुई हाँ स्टीवेनसन किलपैट्रिक मार्कर कहार ऑप्शन ए 144 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर जोन डुई हाँ ना जीवा नेक्स्ट 145 शिक्षण मान निर्धारण निम्ते केउटी एक साधनी नुहे कहला व्हिच वन इज नॉट ए टूल फॉर लर्निंग असेसमेंट परीक्षण रेटिंग्स के चेकलिस्ट आउ प्रश्नगुच्छ कौन हम ना पे 145 असेसमेंट परीक्षण बुझला परीक्षण शिक्षण मान निर्धारण गोटे साधनी नुह तो एठरे ऑप्शन ए सटिक आंसर हो जाए 146 देखा कौन कही भारतीय व्यवसायी मैंने दक्षिण आफ्रिकार क्यों भाव में परिचित थे भारतीय कौन भारतीय व्यवसायी मैंने दक्षिण आफ्रिकार क्यों भाव में परिचित थे सेठ ना बणिया ना कृपण ना कुली कौन ना कुली कुली बोल कि कहला कौन ना से गांधीजी रागि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर जब आम 147 ना क्यों देश ठारु नेताजी आनुष्ठानिक भाव आंडामान दायित्व ग्रहण करते जापान जर्मानी सोवियत रूसिया और इटली कौन हम सटिक आंसर पे मैंने ना जापान ठीक अच्छे ऑप्शन ए जापान हूँ एटे सटिक आंसर जब आम नेक्स्ट 148 ना सामंत सिंधर उद्देश्य कौन थिला इंग्रेज मानकर राज्यवृद्धि ना भारतीय शासक मानकर सुरक्षा शांति रक्षा ऑप्शन डी रे देला सामुद्रिक वाणिज्य वृद्धि कौटा हम ना पे ना इंग्रेज मानकर राज्यवृद्धि यहीटा हो जाए आम सटिक आंसर जोटा कि ऑप्शन ए बुझेगा देन 149 कहला क्यों घटना पर बंग बिहार और ओडिशार देवानी इंग्रेज मानकर हस्तगत है पलासी युद्ध पर बक्सर युद्ध पर रेगुलेटिंग एक्ट पर ना पीट को भारत आईन पर कौन हम सटिक आंसर ना ऑप्शन बी बैटल ऑफ बक्सर ठीक अच्छे बक्सर युद्ध पर बी एटे हूँ सटिक आंसर तो आज लास्ट क्वेश्चन पे मैंने 60टा क्वेश्चन आमर हो गला वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर दि सेयार कर दि सब्सक्राइब करना जो कर दि शीघ्र
ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା, ନା ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ପ୍ରତି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଥିଲା? କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ନା ବଙ୍ଗଳା ଜାତୀୟତା ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ, ନା ଉପନିବେଶ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ନା ଡିରେ ଦେଲା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତା ପ୍ରଜ୍ୱଳନ? କ'ଣ ହେବ? ହଁ, ବଙ୍ଗଳା ଜାତୀୟତା ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ଏଠାରେ ହେଇଯାଉଛି ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ଏଠି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, 60ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେଇବ, ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହୁଁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ। ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେୟାର୍ କରିଦେବ। ପୁଣି ଦେଖାବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।